हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पूजास किचन। गणेश चतुर्थी आने वाली है, इसीलिए आज मैं आपके लिए गणेश जी के भोग के लिए झटपट बनने वाले सूजी मोदक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आज मैं बिना मावा के बनाऊंगी। यह खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो इस गणेश चतुर्थी पर आप इन्हें जरूर बनाएं और गणेश जी को भोग लगाएं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी रेसिपी जब भी आ रही है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिनटों में बनने वाले हमारे सूजी के मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक पैन में एक चम्मच घी लिया है, उसे अब हम मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम एक कप सूजी डालेंगे। यह नॉर्मल सूजी है, इसे रवा भी बोलते हैं, और उसे स्पैचुला की मदद से चलाते हुए भूनेंगे। इसे हमें ज़्यादा लाल होने तक नहीं भूनना है, नॉर्मल इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक इसे हमें भूनना है। सूजी का कलर हल्का चेंज हो गया है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। बस इस समय अब हम इसमें 3/4 कप मलाई डालेंगे। इसे अब हम सूजी में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यह हमारे घर की एकदम फ्रेश मलाई है, वही मैंने यहाँ यूज किया है। सूजी को हम कुछ देर मलाई में भून लेंगे ताकि सूजी सारी मलाई को अच्छी तरह सोख कर ले। ये देखिए, कुछ देर बाद सूजी और मलाई अच्छी तरह मिक्स हो गई है और सूजी हमारी इसमें बढ़िया से भुन गई है। अब इसके अंदर हम 3 चम्मच काजू डालेंगे, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ है। 3 चम्मच किशमिश डालेंगे और इसे अच्छी तरह से सूजी में मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए कुछ इसी तरह से स्पैचुला चलाते हुए इसे भून लेंगे। आप यहाँ पर जो आपको पसंद है वो भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ओनली काजू और किशमिश ही डाल रही हूँ। ये देखिए, 2 मिनट हो गए हैं और सूजी और ड्राई फ्रूट्स हमारे बढ़िया से भून गए हैं। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, 1/2 कप पिसी हुई शुगर डालेंगे। मोदक को बनाते समय आप मेजरमेंट का जरूर ध्यान रखें, 1 कप सेट कर लीजिए, उसी के हिसाब से सारी सामग्री लीजिए। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैं थोड़ा सा हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। हाथों से यह बहुत अच्छी तरह से मिक्स होगा। अब इसे हम एक साइड रख देंगे और एक प्लेट लेंगे जिसमें हमें मोदक बनाकर रखना है। ये देखिए, मोदक बनाने के लिए कुछ इस तरह का साँचा आता है, मैंने यह मार्केट से लिया हुआ है, आपको भी यह इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब इसके अंदर हम मोदक के मिश्रण को कुछ इस तरह से भरेंगे। और दोनों को इस तरह से प्रेस करेंगे और आसपास जितना भी एक्स्ट्रा निकल रहा है उसे हम निकाल कर मिश्रण में डाल देंगे। ये देखिए, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ उस तरह से इसे बनाना है। अब इस सांचे में यहाँ पर एक साइड में लॉक होता है, उसे हम निकालेंगे और देखिए हमारा मोदक बिल्कुल तैयार है। इसे मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, यह एकदम परफेक्ट बना है। इसी तरह अब हम सारे मोदक तैयार कर लेंगे।
यह मोदक बहुत ही कम सामान से और कितनी जल्दी बन गए? इन्हें बनाना बहुत आसान है, आप इसे जरूर ट्राई करें। ये देखिए, हमारा दूसरा मोदक भी बनकर तैयार है। सारे मोदक हमने तैयार कर लिए हैं और यह कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसमें हमारे कुल 8 मोदक बने हैं। और यह मोदक खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने और भी मोदक बना रखे हैं, आपको उनकी रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।